हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आवरण के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको मिथिला पेंटिंग के अंतर्गत बनने वाली कुछ खास चीज़ों के बारे में बताऊंगी। ये है हमारा मिथिला पेंटिंग का मास्क। मैं जानती हूँ आप लोग इससे बहुत अच्छे से परिचित होंगे, क्योंकि पूरे लॉकडाउन में ये मिथिला पेंटिंग का मास्क मुजफ्फरपुर में, जिसे सबसे पहले आवरण ने लाया था, बहुत बहुत प्रचलित हुआ है। ये डिफरेंट शेप, साइज, लेयर्स में है। जैसे कि ये मास्क 3 लेयर्स हैं, 1, 2 और एक इसके अंदर लेयर है। तो ये 3 लेयर का मिथिला पेंटिंग मास्क है। ये मास्क आपको 60 रुपये में बाज़ार में उपलब्ध है आवरण के द्वारा। अगर आप 10 से ज़्यादा मास्क ऑर्डर करते हैं तो आपको विशेष छूट दी जाएगी। इसके अलावा महीन कलमकारी, जो मिथिला पेंटिंग की विशेषता है, ये देखिए, ये महीन कलमकारी दुपट्टा, जो बिल्कुल हाथ से बनी हुई पेंटिंग है, कहीं कोई मशीन का या प्रिंट का प्रयोग नहीं किया गया है। ये है मिथिला पेंटिंग दुपट्टा, जो आपको आवरण के अंतर्गत मिलता है। इसके अलावा है, ये देखिए, साउथ कॉटन कपड़े की ये ब्रश की पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग। ये गर्मी में बहुत आरामदेह और बहुत ही क्लासी लुक का दुपट्टा है। इस तरह के दुपट्टे भी ऑर्डर पे आवरण के अंतर्गत बनाए जाते हैं। इसके अलावा है आपके घर की शोभा बनाने के लिए, एक क्लासी डेकोर देने के लिए, ये मिथिला पेंटिंग का कुशन कवर। इसके अलावा चादर, बेडशीट, हर तरह की चीज़ों से मिथिला पेंटिंग का मास्क मिथिला पेंटिंग की जाती है। इसके अलावा है ये मिथिला पेंटिंग का सूट पीस, ये देखो, इसके साथ ही इसका मैचिंग दुपट्टा भी है। ये देखिए, ये है इसका मैचिंग दुपट्टा, जिसे आप वन साइडेड लेंगे तो भी आपको ये पेंटिंग दोनों तरफ नजर आएगी, या फिर अगर आप डबल साइडेड लेते हैं तो भी बहुत ही खूबसूरत लुक देगा। ये देखिए, इसके अलावा है ये पेंटिंग्स, जो फ्रेम करने के बाद काफ़ी खूबसूरत दिखेगी। ये देखिए, मिथिला पेंटिंग हमेशा किसी न किसी थीम पे आधारित होता है। ये राम सीता स्वयंवर पे आधारित है, वरमाला का दृश्य दर्शाया गया है। ये देखिए, ये है सीता विदाई, इसमें डोली में डोली का दृश्य दर्शाया गया है। इसके अलावा केरल कॉटन साड़ी पर, ये एक मिथिला पेंटिंग की साड़ी भी है, जो केरल कॉटन साड़ी पे की गई है। ये देखिए, ये इसका आंसर है। इसके अलावा ये इसकी पूरे साड़ी पे बूटी दी गई है, जो ये साड़ी बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। ये देखिए, एक बहुत ही क्लासी लुक देता है ये साड़ी। जैसा कि अभी भी मैंने आपको बताया कि हम मिथिला पेंटिंग की खूबसूरत खूबसूरत कपड़ों पे चित्रकारी करते हैं, जो फ्रेम करने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखिए, इसी तरह के कपड़े की चित्रकारी, जिसे हमने प्रॉपर फ्रेमिंग किया गया है, उसके बाद ये इसका लुक देखिए। ये होली थीम पे बनाया गया है, जैसा कि आप जानते हैं कल होली है, तो एक कस्टमर के ऑर्डर पे खास ये होली थीम पे बनाया गया है। कल सुबह ये डिलीवर्ड होना है, इसलिए मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, इसमें राधा कृष्ण का होली, ब्रज की होली को दर्शाया गया है।
मिथिला पेंटिंग के हर चीज़ों की कीमत उसमें प्रयोग किए जाने वाले डिज़ाइन की बारीकता पर निर्भर करती है। तो आवरण के थ्रू, जिसमें हम आपको नीचे आवरण का लिंक और फ़ोन नंबर बता रहे हैं, इससे आप अपने किसी भी चीज़ों को ऑर्डर, जो आपको पसंद कर, जिन चीज़ों को आपने पसंद किया आप ऑर्डर कर सकते हैं। या फिर आवरण के फेसबुक पेज का लिंक है, आप डायरेक्ट वहाँ जाके भी, व्हाट्सएप का लिंक है, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। मिथिला पेंटिंग बिहार की एक विशेषता है जो धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसको जीवंत रखने के लिए हम आप प्रयास करें और मिथिला पेंटिंग को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।